नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्दी प्रोडक्ट रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक सिरप का रिव्यू करने वाले हैं जो कि पतंजलि के द्वारा बनाई गई है और महिलाओं के लिए खास तौर पर फॉर्मुलेट की गई है। महिलाओं की विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर इस दवाई के उपयोग देखने को मिलते हैं और आपको उनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। कौन यूज कर सकता है, कैसे यूज करे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यह जो सिरप आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसका नाम है पतंजलि नारी सुधा सिरप, जो कि 200 ml की दवाई है। इसकी जो प्राइस है वो 75 रुपये देखने को मिलती है, आपको पतंजलि के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी है वहां पर जाकर आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस दवाई की पैकिंग जो पतंजलि की यूजुअल सिरप की पैकिंग रहती है उसी तरह की है, प्लास्टिक बोतल है, इससे एक टूटने का खतरा है वो नहीं है। अब बारी आती है इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि क्या क्या चीजें मिलाकर इस सिरप को तैयार किया हुआ है। इसमें टोटल 17 तरह की चीजें एडेड हैं, जिसमें 16 हर्ब्स है और 17वां इंग्रेडिएंट शुगर है वो शामिल है। इसमें शामिल है रक्त चंदन, अशोक, लोधरा, मोचरस, दत्की फूल, अश्वगंधा, सतावर, नाग केसर, नागरमोथा, लाल सुपारी, सौंठ, जट मानसी, आंवला, दारू हल्दी, पतरंग छाल, ये सब चीजें है वो इसके अंदर एडेड है। अगर प्रिजर्वेटिव की बात करें तो सोडियम मिथाइल पैराबिन, सोडियम प्रोपाइल पैराबिन, सोडियम बेंजोइट, साइट्रिक एसिड, ये 4 प्रिजर्वेटिव है वो इसके अंदर शामिल है। प्रिजर्वेटिव इसके कारण ऐड किए जाते हैं कि दवाई या फिर जो भी चीज़ है उसकी जो लाइफ है वो लॉन्गर हो, यानी कि इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा हो। यह दवाई 36 महीने खराब नहीं होती, इसके पीछे जो कारण है वो प्रिजर्वेटिव ही रहते हैं। हालांकि जो मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन ऐड है वो ऐड नहीं करने चाहिए। ऐड जो इसमें चीज़ें की हुई हैं प्रिजर्वेटिव वो इंटरनेशनल मानक के हिसाब से किए हुए हैं, लेकिन 2 पैराबिन की जगह सिर्फ सोडियम बेंजोइट और साइट्रिक एसिड होता तो सही रहता। अब इंग्रेडिएंट पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि शरीर को स्वस्थ रखने, हील करने और हेल्थ बनाने वाली चीजें है वो इस दवाई के अंदर शामिल की गई हैं, जो कि आयुर्वेद रिकमेंड करता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज की, यानी कि इस दवाई को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस दवाई को 1 से 2 चम्मच लेने की सलाह दी जाती है दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को लेने की सलाह दी जाती है। खाने से 1 घंटा पहले लेना है, 2 चम्मच भरकर इस दवाई को लेना है और सेम अमाउंट में पानी लेना है, उसके अंदर मिक्स करके आप इस दवाई को इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, यानी कि जो ये नारी सुधा सिर्फ पतंजलि ने बनाई है इसके क्या क्या फायदे और यूजेज है वो देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर 2 चीजें मेंशन की गई हैं। अगर इंडिकेशन को देखें तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, 2 चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। अब मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किन किन चीजों के लिए इसको इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। पहली चीज है ये वीकनेस को क्योर करने का काम करती है। अगर आपको जनरल वीकनेस है, सामान्य कमजोरी है, शरीर में सुस्ती छाई रहती है, आलस रहता है, या फिर आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो उन महिलाओं के लिए ये दवाई है वो काम कर सकती है। इस दवाई के कारण आपके जो शरीर है उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की अगर प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम क्योर होगी। आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो वह कमी दूर होगी, और जब न्यूट्रिशन आपके शरीर को कंप्लीट मिलेगा तो वीकनेस की प्रॉब्लम है वो अपने आप क्योर हो जाएगी। तो पहला फायदा वीकनेस और न्यूट्रिशन से संबंधित है। दूसरा फायदा बैक एक से संबंधित है, यानी कि अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है तो इस नारी सुधा सिरप को लिया जा सकता है, कमर दर्द की शिकायत को भी दूर करने का काम यह करती है। तीसरा फायदा सिरदर्द से संबंधित है। अगर किसी महिला को सिरदर्द की समस्या रहती है या फिर एनीमिया की समस्या है, मतलब कि खून की कमी देखने को मिलती है, खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, तो एनीमिया और हेडेक दोनों ही प्रॉब्लम्स में नारी सुधा सिरप को लिया जा सकता है। चौथा जो फायदा है वो मासिक धर्म से संबंधित है। अगर किसी महिला के इररेगुलर मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो रहते हैं, यानी कि जो मासिक धर्म का जो साइकिल है वो सही नहीं है, शेड्यूल है वो सही नहीं है, तो इस नारी सुधा सिरप को लिया जा सकता है। आपके मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्याओं, प्रॉब्लम्स जैसे कि पेट में दर्द वगैरह जो रहता है, उन सब चीज़ों से संबंधित यह फायदा देने का काम करती है। हालांकि नॉर्मल पेट दर्द या फिर सिरदर्द की समस्या है वो हर किसी को रहती है, लेकिन अगर आपको मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा समस्या रहती है, ओवर ब्लीडिंग होती है या फिर ज़्यादा पेट दर्द की शिकायत रहती है, तो आप नारी सुधा सिरप को ले सकते हैं। अगर आपको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ कुछ जो महिलाएं होती हैं उनको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि फियर ऑफ ओवरवेट, उनको यह फियर रहता है कि उनका शरीर है वो मोटा हो जाएगा, वे ओवरवेट हो जाएगी और इस कारण उनको खाने से चिढ़ हो जाती है, यह समस्या जिन महिलाओं के हैं वे भी इस सिरप को इस्तेमाल है वो कर सकती हैं। छठा जो इसका बेनिफिट है वो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित है। विभिन्न महिलाओं को विभिन्न तरह के गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिनके संबंध में इस दवाई को लिया जा सकता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इन संबंध में इस दवाई को इस्तेमाल करना है, बिना एक्सपर्ट की सलाह के सीधा अपने से खरीद कर सीधा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सातवां फायदा है, अगर आपको नींद की समस्या है, पर्याप्त रूप से नींद नहीं आती है, तो भी नारी सुधा सिरप को लिया जा सकता है, इसमें भी फायदा देखने को मिलता है। तो आपने जाना कि महिलाओं की विभिन्न तरह की समस्याओं के लिए स्पेशली पतंजलि ने नारी सुधा सिरप को फॉर्मुलेट किया है, बनाया है, जिसको इस्तेमाल करके
आप कमजोरी को दूर कर सकते हैं और महिलाओं की विभिन्न तरह की समस्याओं के लिए इसको इस्तेमाल में किया जा सकता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई भी साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलते, नेचुरली इसको बनाया गया है, इसके कारण आप इसको बिना किसी झिझक के इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। अगर प्रिकॉशंस की बात करें, मतलब कि अगर सावधानियों की बात करें, तो जो महिलाएं गर्भवती हैं या फिर स्तनपान करती हैं उनको इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनके दवाइयां वगैरह चालू हैं, तो मेडिकेशन अगर आपके चालू हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही उसको रूटीन में आपको शामिल करना है। तो ये सब सावधानियां रखते हुए आप इस सिरप को इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। भारत के सबसे ट्रस्टेड और क्वालिटेड प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले चैनल हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यूज का भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें।